तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम खेल रहे हैं पैल वर्ल्ड। तो गाइज, ये अपना 24 एपिसोड होने जा रहा है। और जैसा कि गाइज, आज हम लोग करेंगे ब्रीडिंग। तो मैंने बोला था इससे पहली वाली वीडियो पे कि आप लोग कमेंट कर देना कौन कौन सा पोकेमोन के साथ ब्रीड करवाना चाहिए। तो आज गाइज हम लोग पहले ब्रीड करवाएंगे। और मैंने बोला था गाइज कि ये वाला पोकेमोन के बारे में आप लोग बताओ जो कि हमें रेयर मिला था। कहाँ घूम रहा है भाई ये वाला पोकेमोन, और इसका नाम क्या है समझ नहीं आ रहा, बट आप लोग को तो पता होगा। तो यार आप लोग कमेंट कर देना ये पोकेमोन का, कोई तो कमेंट कर दो कि इसका ब्रीड हमें किसके साथ करवाना चाहिए। बाकी चलो, दो चार कमेंट आया उस पर भी ध्यान देंगे कि कौन कौन सा पोकेमोन का आज ब्रीड होगा। तो जैसा कि गाइज, यहाँ पे मैंने पहले से ही केक बना रखा है ताकि यार ज्यादा वक्त ना लगे। और फटाफट चलते पहले सोने के लिए, क्योंकि कल सुबह हम लोग फाइट भी करेंगे और यार दो ब्रीड तो आज करवा के रहेंगे। तो चलो यार पहले चलते फटाफट सोने। तो ऑलराइट गाइस, एक और नया दिन, एक और नई सुबह, और हमारा केक बन के तैयार है। तो फटाफट चलते। तो गाइस, कौन कौन सा पैल के बीच में ब्रीड होगा चल के दिखाते हैं। तो पहला कमेंट आया था हमारा, तो गाइस पहला कमेंट आया था क्रियोलेक्स एंड ब्राउन चेरी। यार ब्राउन चेरी तो थोड़ा मोड़ा जाना पहचाना लग रहा है, जैसे कि अपना ये रहा ब्राउन चेरी और ये अपना मेल है, और दूसरा जो नाम है ये शायद क्रियोलिन। तो चलो गाइस, ये रहा अपना दूसरा पोकेमोन क्रियोलिन, और ये अपना फीमेल है और ये अपना मेले, यानी कि पहला ब्रीड आज हो सकता है। तो वीडियो को लाइक कर देना, और यार उम्मीद करते हैं कि ये दोनों का ब्रीड से आज कोई अच्छा पोकेमोन निकल जाए। बाकी चलो ये लोग को बेस पे डालते हैं। तो ये रहा अपना क्रियोलिन, और दोनों आ चुका है बेस पे। ये वाला देखो थोड़ा यार आइस टाइप पोकेमोन है, तो इसको उठाते और चल के इसको बेस पे हमें डालना पड़ेगा। बाकी ये वाला भी रेयर पोकेमोन है जो कि स्नो आइलैंड पे सिर्फ मिलता है, और इसका लेवल का बात किया जाएगा इस तो 25-35 ऐसे लेवल रहता है। तो यार खतरनाक पोकेमोन है, हम लोग इसको हल्के में नहीं ले सकते। बाकी चलो, हम लोग आ चुके हैं फार्म पे, और यहाँ पे अपना ये दूसरा ब्रीड होने जा रहा है अब तक का। तो चलो यार यहाँ पे डालते, और देखा जाए तो अपना यहाँ पे एक आ चुका है फीमेल। अब चल के मेल को लेके आते, और इसका नाम था ये रहा भाई ब्राउन बेरी। ब्राउन बेरी नहीं, क्या नाम है पता नहीं, बट ये वाला पोकेमोन मैंने पकड़ा था आज से 4 दिन पहले। तो चलो गाइज, अब इसको भी लेके चलते ऊपर। बाकी अगर आप लोगों को कोई भी पोकेमोन का ब्रीड करवाना हो तो कमेंट कर देना, और यार हम सबका कमेंट देखते रिप्लाई नहीं कर पाते उसके लिए सॉरी, बट यार जब भी टाइम मिलेगा हम रिप्लाई कर देंगे। तो चलो यार इसको पहले बेस पे डालते, और देखा जाए तो चलो यार मेल फीमेल हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे केक डालना है, तो मुझे यार पहले ही केक लेके आना चाहिए था, ये क्या सीन है बार बार हम आते नीचे। चलो यार कोई बात नहीं, यहाँ पे अपना केक कंप्लीट है। तो चलो गाइस, हम लोगों ने केक भी ले लिया, और इसको ब्रीड में डालने के बाद हम लोग चलेंगे फाइट पे। तो वीडियो पे बने रहना, और आज का फाइट यार खतरनाक होगा। तो चलो यहाँ पे तो नहीं डालना है, यहाँ पे हमें अंडा डालना होता है। तो चलो यहाँ पे डालते, और इसी के साथ कहाँ चला गया केक। तो चलो गाइस, हम लोगों ने केक रख दिया, और यहाँ पे टाइम शुरू हो चुका होगा। तो चलो यार मुझे नहीं लगता ज़्यादा टाइम लगेगा, तो जल्दी से हम ब्रीड करवाते, और लगे हाथ पहले चलते नीचे। कुछ यार अपना बेस को भी अपग्रेड करना है, वो भी कर लेंगे। तो चलो गाइस फटाफट चलते, और यहाँ पे देखो गाइस एनुबिस जो है इसका लेवल 26 हो चुका है। और यार आप लोग का डिमांड था कि इसका लेवल अप कर दो, तो कर दिए। आज इसका भी हम लोग ब्रीड करवाएंगे, यानी कि ये खुद एक ब्रीड से निकला है, और इसका ब्रीड करवाएंगे तो पता नहीं यार और कौन सा रेयर पोकेमोन निकलेगा। तो चलो इसको यहाँ पे रख लेते, और हमारे साथ जाएगा एलिफेंट, और दूसरा में ये पैंगलूप और एनुबिस और अपना यूनिबॉल्ट। यूनिबॉल्ट को ले जाना चाहिए फाइट पे, चलो यार लेके चलते। और अपना ये वाला, इसका भी आज ब्रीड करवाना है। पहली बार यार कोई फायर टाइप पोकेमोन का हम लोग ब्रीड करवाएंगे। और यहाँ पे ये क्या हो रहा है, एनुबिस का हेल्थ जा रहा है, मुझे लगता है कुछ खिलाना पड़ेगा। तो देखा जाए तो यार इसका हेल्थ पूरा जा चुका था, चलो कोई बात नहीं, इसको हम लोग खिला देते। और यार चलो ये कंप्लीट हो गया, और मैमथ को खिला देते, क्योंकि यार आज का फाइट खतरनाक होगा, और वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलो यार अपना लगता है वेस्ट भी डैमेज है, देखा जाए तो यहाँ पे अपना वेस्ट डैमेज हो चुका है, तो लगे हाथ रिपेयर करवा लेते। बाकी चलो यार ये अपना हो चुका है, और हमें चलना फाइट पे। एक बार यार चल के देख के आते हैं कि यार ब्रीडिंग में कितना टाइम लगता है। तो चलो यार एक बार देख लेते, शायद हो गया होगा, और मुझे नहीं लगता गाइज इतना जल्दी ब्रीड होगा। यार हो ही गया लगभग,
तो यार यहाँ पे टाइम लगेगा, तो थोड़ा वेट करते और आज का जो हम लोग फाइट करेंगे चल के वो दिखाते हैं। तो ये रहा अपना मैप। तो गाइज ये रहा अपना मैप और यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा ब्राउन चेरी एक्वा नाम का है, यानी कि बॉस पोकेमोन है। तो समझ लो आज होगा ब्राउन चेरी वर्सेस ब्राउन चेरी एक्वा, मतलब कि खतरनाक फाइट होगा। अपने पास होगा ये वाला पोकेमोन जो कि लड़ेगा अपने बॉस से। तो चलो देखेंगे कौन सा पोकेमोन विनर बनता है। बाकी देखा जाए तो ये जल्दी से यार यहाँ पे ब्रीडिंग कंप्लीट हो जाए तो इसको लेके चलेंगे फाइट पे। तो वीडियो को थोड़ा वेट करते और जल्दी से इसको स्किप करते। तो चलो गाइज अपना यहाँ पे ब्रीडिंग कंप्लीट होने को आया और ये कौन सा एग मिला चल के देखते। बस यार कोई रेयर पोकेमोन मिल जाए तो अच्छी बात है। आई होप कि कोई रेयर पोकेमोन निकले। तो चलो यहाँ पे डालते और इसको फटाफट खोलते। बाकी यार उम्मीद करते कि काश कोई रेयर पोकेमोन मिल जाए। यार किसने दिया था ये वाला कमेंट देखा जाए तो भाई ऐसा मत किया करो यार, ये वाला पोकेमोन मेरे पास ऑलरेडी है और इसके लिए हम लोगों ने अपना केक बर्बाद कर दिया। यार केक बनाने में कुछ ज्यादा ही वक्त लगता है। ये रहा वो पोकेमोन ऑलरेडी है हमारे पास। चलो कोई बात नहीं, दूसरा ब्रीड भी करवाएंगे, पहले चलते हैं फाइट पे। और यार कोई रेयर पोकेमोन आप लोग कमेंट करना। बाकी शायद मेरा किस्मत खराब है कि यार रेयर पोकेमोन मिल नहीं रहा है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग को लेके चलना है। कहाँ गया वो वाला पोकेमोन? ये रहा अपना ब्राउन चेरी। इसको लेके चलते हैं फाइट पे और आज का मुकाबला यार देखने लायक होगा, तो वीडियो पे बने रहना। बाकी चलो यूनिबॉल्ट के साथ इसको रिप्लेस कर देते और फटाफट चलते फाइट पे। तो हमें चलना है यहाँ से। तो ये रहा गाइज अपना मैप और चलो इसका जो लोकेशन है गाइज यहाँ पे देखो बॉस है, तो बॉस का लोकेशन यहाँ पे। तो हम लोग को यहाँ पे टेलीपोर्ट करना है, तो फटाफट चलते। तो ऑलराइट गाइज हम लोग आ चुके एक और नई लोकेशन पे और यहाँ पे कोई खास पोकेमोन देखा जाए तो ये सब ऑलरेडी मेरे पास है और ये वाला पोकेमोन मेरे पास नहीं है जो कि यार काउ टाइप लग रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, इसको जाते वक्त हम लोग पकड़ लेंगे। अभी यहाँ से निकलते और जाना कहाँ वो देखते हैं। बॉस अपना शायद गाइज इधर है, बाकी एक बार मैप पे कंफर्म। चलो गाइज एकदम सही चल रहे। और अपना यार एनर्जी क्यों डाउन हो जाता है, मुझे खाना पीना पे ध्यान देना पड़ेगा और खाने को हमारे पास कुछ नहीं है, कैसे हो सकता है यार। मुझे खाना कुछ लेके आना चाहिए। फटाफट चलते अपना बेस पे और खाने को पहले कुछ ले लेते। तो ऑलराइट गाइज सारा काम हो चुका है, अब फटाफट चलते हैं फाइट पे। यार खाना पीना ना रहे तो हम लोग फाइट कर भी नहीं पाएंगे। तो चलो यहाँ से वापस चलते और हमें टेलीपोर्ट करना है यहाँ पे। तो चलो यार हम लोग वापस से आ चुके और यहाँ से बुलाते अपना ये वाला फायर टाइप पोकेमोन को। अब यार इसका ब्रीड बचा है तो इसको करवाएंगे। बाकी देखो गाइज यहाँ पे वो वाला पोकेमोन ज्यादा घूम रहा है, यानी कि इसका बॉस ऊपर होगा। एक बार मैप पे देखते, हम लोग यार गलत जा रहे हैं, मुझे उधर चलना है। बाकी यहाँ पे देखो गाइस कि यहाँ पे वाटर टाइप पोकेमोन है जो कि हमें ऑलरेडी मिल चुका है और वो वाला यार अपना एक्स से निकला था। तो चलो ये वाला नहीं पकड़ना। तो चलो गाइस फाइनली हम लोग पहुँचने वाले और ये जो पोकेमोन है गाइस इसका रास्ता नीचे से है, यानी कि यार ये माइन के अंदर रहता है और इसको हम लोग यहाँ से इंटर करेंगे। तो फटाफट चलते। बाकी ये क्या सीन है, हमारा पोकेमोन यार अलग थक जाता है और ये कुछ ज़्यादा ही तेज बन रहा है। चलो कोई बात नहीं, बाद में फाइट लेंगे। अभी यार अपना हेल्थ को डाउन नहीं करना। और इसी के साथ हम लोग इंटर कर चुके हैं माइन में। यहाँ पे यार चलने में कितना ज़्यादा मेहनत लगेगा, बट यार हमारे पास पोकेमोन है, जहाँ तक ये चलेगा चलते, और मुझे नहीं लगता गाइज इसके आगे ये जा पाएगा। तो फटाफट चलते पैदल। वैसे देखो दौड़ने वाला पोकेमोन मेरे पास नहीं है जिसपे हम लोग बैठ के जा सके। हम लोग यार कहीं गलत तो नहीं आ गए? नहीं गाइज, वो रहा सामने ब्राउन चेरी एक्वा जो कि 30 लेवल का है। और अपना पोकेमोन कहाँ चला गया, ये रहा अपना ब्राउन चेरी नॉर्मल वाला। तो चलो यार ये दोनों का फाइट करवाते हैं और देखते हैं कि अपना ब्राउन चेरी उससे जीत पाएगा या फिर नहीं। और यहाँ पे यार अपना देखो हेल्थ भी डाउन हो चुका है और क्रॉसबो में एमओ भी नहीं लोड है, तो मुझे सबसे पहले अपना हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा। तो चलो गाइज अपना फाइट शुरू हो चुका है और भाई साहब यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। मार भाई, क्या कर रहा है अपना ब्राउन चेरी यार, कुछ करेगा? चलो यार छोटा मोटा अटैक दे रहा है, ये छोटा अटैक से क्या होगा, हमें लगता है थोड़ा हेल्प करना पड़ेगा। और यार उससे ज्यादा अटैक तो यार हम दे रहे। चलो कोई बात नहीं, इसको बचाते। और यार बबल वाला अटैक करता है ये एक्वा। मुझे लगता है ना गाइज कि ये एक्वा इसका नाम यार इसलिए पड़ा है क्योंकि ये बबल वाला अटैक करता है। तो चलो कोई बात नहीं, बाकी क्या लगता है गाइज हम लोग इसको हरा पाएंगे या फिर नहीं? वो देखो भाई मेरा ब्राउन चेरी क्या कर रहा है यार, आ जा यहाँ पे। मेरा वाला गाइज ब्राउन चेरी अटैक कर ही नहीं रहा है भाई, क्या सीन है पता नहीं। बट साइज देखो अपने वाला का कितना छोटा है, क्या हम लोग जीत पाएंगे यार, मुझे नहीं लगता। बट यार चलो अटैक अप कर रहा है ये और हमें थोड़ा कवर में रहना होगा। ओ भाई साहब मर गया, अपना ब्राउन चेरी गया।
अब यार बहुत ज्यादा हो चुका है इसका। और ये कैसा अटैक है भाई, मुझे लगता है अपना दूसरा पोकेमोन को बुलाना पड़ेगा, एनूबिस को बुलाते, ये अकेले मारेगा, देखते जाओ। यार हम लोग जो सोच के आते वो होता क्यों नहीं है, अपना वाला ब्राउन चेरी दो शॉट में निपट गया। और यहाँ पे देखो भाई एक्वा का डैमेज, मुझे यार फाइट नहीं करना, ये अकेले संभाल लेगा, बस यार इसका फाइट को एंजॉय करते। और मार भाई क्या कर रहा है यार, ये बहुत ज्यादा लेट अटैक कर रहा है, चलो कोई बात नहीं, ये वाला सही अटैक है। और इसी के साथ भाई साहब कितना गंदा डैमेज पड़ा, एक तो गाइस यहाँ पे इतना ज्यादा अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बट चलो कोई बात नहीं, फाइट में मजा आना चाहिए। और ये पड़ा शॉट, इसका जो गाइस सैंड वाला अटैक है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। बाकी एक सेकेंड हमको थोड़ा भागना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत गंदा अटैक हुआ था। और यहाँ पे यार अपना एक्वा बीस का हेल्थ थोड़ा डैमेज हो चुका है, तो वापस बुलाते हैं इसको। और किसको भेजे, ये वाला पोकेमोन को भेजते हैं, तब तक के लिए मुझे नहीं लगता यार ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और देखा जाए तो यार एक एचपी होने को आया, बस जल्दी से मार। और यार कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, इसलिए हम बार बार लाइट जला दे रहे ताकि यार अच्छा से दिखाई दे। और ये रुक क्यों गया है यार, दोनों पोकेमोन रुक चुका है, वापस से भेजते, चलो यार मार ये लोग का। जब तक फाइट हो रहा ना गाइस, हम थोड़ा यहाँ से लूट लेते हैं। तो यार कोई अच्छा बॉस पोकेमोन बताओ जिससे हम लोग फाइट करने जाए, या तो यार 35 लेवल के ऊपर का बताओ, या तो 40 के नीचे, 40 के ऊपर मत बताना गाइस, क्योंकि यार 45-46 वाला हम नहीं पकड़ पाएंगे। ये पड़ा अटैक, और ये वाला अटैक मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये रेन करता है, मतलब एसिड रेन टाइप का रहता है, बट यार इसका अटैक में दम है। तो चलो यार इसका एक एचपी हो चुका है, और मार भाई एक शॉट और मारते हैं, हम इसको पकड़ लेंगे, बस यार एक शॉट मारना है और इसको हम लोग पकड़ लेंगे। यार मेरे को क्यों मार रहा है, कुछ खास खतरनाक पोकेमोन ये नहीं था गाइज, और अब पकड़ना है इसको, चलो देखते हैं कैप्चर हो पाएगा या फिर नहीं। मुझे लगता है गाइज हम लोग इजिली कैप्चर कर लेंगे, थोड़ा सा वेट करते, यार अटैक करता है, मरते मरते भी ये अटैक कर रहा है, चलो कोई बात नहीं, अब तो कैप्चर होगा। मारने का इसको मन नहीं कर रहा हमको, बट फिर भी ये ड्रामा कर रहा है, चलो कोई नहीं अब हो जाएगा, अब लगता चांस है। नहीं यार ये ऐसे नहीं होगा, वापस से फेंका मैंने, और अब हो जा, अभी भी नहीं होगा, मेरा बॉल बर्बाद कर रहा, अब मुझे मारना पड़ेगा गाइस, कोई चारा नहीं है यार, ये ऐसे नहीं मारेगा। एक तो भाई साहब कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कैसे इसको मारे, चलो वापस से एक बार फेंकते और देखा जाए तो, इस बार हो जाएगा, नहीं हुआ भाई, क्या सीन है यार, ये कैप्चर ही नहीं हो रहा है, मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है कि अपना क्रॉसबो कहाँ पे है, कौन सा क्रॉसबो है, कौन सा क्या है। और मुझे लगता है क्रॉसबो ये नहीं, क्रॉसबो नहीं है, ये है क्रॉसबो, और अब लगा डैमेज, मुझे कैप्चर कर लेना चाहिए। तो चलो यार अब चांस ज़्यादा है कैप्चर होने का, यार क्या ही बकवास पोकेमोन है यार, ये कैप्चर ही नहीं हो रहा है, कहाँ गया क्रॉसबो, अब लग जा यार लोडिंग अलग, चलो यार मैंने शॉट मार दिया, मुझे और एक शॉट मारना चाहिए, और अब कैप्चर कर लेते हैं, अब नहीं हुआ तो यार इसको अच्छा से बैंड बजा देंगे, या तो मर जाए। तो चलो यार एक और शॉट मारेंगे और इसको अब कैप्चर करते हैं, अब तो होगा यार, इसका एक एचपी हो गया भाई, अब तो हो ही नहीं यार, क्यों नहीं हो रहा कैप्चर, मुझे समझ नहीं आ रहा है। देखा जाए तो यार 4 से 5 मेरा बॉल खा चुका है, 10 से ज्यादा खा चुका है, बट फाइनली हम लोगों ने इसको कैप्चर कर लिया। और यहाँ पे भाई दिखाई तक नहीं पड़ रहा है कि आसपास क्या है, तो पहले लाइट ऑन करते, और कहाँ चलना है यार, अपना बैग पूरा फुल हो चुका है, मुझे यार कोई सामान को फेंकना पड़ेगा, तो चलो यार कोई सामान को फेंक देते, जैसे कि ये वाला खा लेते। तो चलो गाइज अपना बैग हल्का हो चुका है, अब हमें यहाँ से निकलना है। वैसे देखो यार इतना ज़्यादा अंधेरा था यहाँ पे कि कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, बट फाइनली हम लोगों ने उसे हरा दिया, और जिसको हराना था वो तो हरा ही नहीं पाया, बट चलो कोई बात नहीं, हम लोगों ने इसे हरा भी लिया और पकड़ भी लिया। जितना भी गाइज मैंने पोकेमोन पकड़ा है, किसी का घर इतना अंदर नहीं था जितना इसका था। चलो फाइनली हम लोग आ चुके, और यहाँ पे देखो रात होने को आया, तो फटाफट चलते आ जा, और हो सकता है गाइज की रात में हमें कोई रेयर पोकेमोन मिल जाए, तो फटाफट चलते और देखते एक बार आसपास कोई पोकेमोन। मुझे नहीं लगता गाइस कि रेयर पोकेमोन हमें मिलेगा, बट चलो कोई बात नहीं, पहले हम लोग को चलना है बेस पे, और उसके बाद यार हम लोग को वो ब्रीडिंग भी देखना पड़ेगा कि कौन सा एग निकलता है। बाकी यार कहाँ चला गया, रात में यार क्या ही खतरनाक लगता है ये जगह, पूरा हॉरर जैसा लग रहा है। और कोई खास पोकेमोन ये यार ये यहाँ पे क्या कर रहा है, लूप मून, यार लूप मून से मुझे डर नहीं लगता, पहले लगता था जब हम लोग का लेवल कम था, बट एक सेकेंड ऊपर कौन सा पोकेमोन है, सेम पोकेमोन है गाइस सेम, मुझे लगता है मारना चाहिए, बट यहाँ पे दो दो गोए, निकलो यहाँ से भाई, कोई फायदा नहीं है लड़के। तो ऑल राइट गाइस हम लोग आ चुके हैं बेस पे, और हमें करवाना है ब्रीड। दूसरा कमेंट पे ध्यान देते, और ये कहाँ पे सो रहा है भाई, कहाँ पे ये सो रहा है, बेड भी नहीं यहाँ पे,
और ये देखो भाई, रात कल दो दिन से ये ऐसे ही उड़ रहा है पागल जैसा। चलो कोई बात नहीं, इसको आग लग चुका है लूप मून को, और पता नहीं यार क्या सीन है। हमें यार केक बनाना पड़ेगा, और केक के लिए हमारे पास हनी है, एग नहीं है, मिल्क नहीं है, रेड बेरी नहीं है और फ्लोर नहीं है। तो चलो यार फटाफट बना लेते, और ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, जल्दी से हम वहाँ पे जाके फ्लोर बना लेते। तो जैसा कि गाइज हमें 5 क्राफ्ट करना है, तो 6-7 हम लगा देते। और यार रात हो चुका है तो कोई काम नहीं करेगा, एक काम करते ना गाइज कि हम सो जाते, कल सुबह करेंगे। और यार ब्रीडिंग देख के जाना कि आखिरी वाला पोकेमॉन कौन सा निकलता है। तो ऑलराइट गाइज, कौन है अब दिन ने कौन नहीं सुबह, और ये पोकेमॉन को हम लोग उठाते हैं। चला जा, चलो इसको लगाते काम पे। ये वाटर टाइप पोकेमॉन है तो ये अपना पानी वहाँ डाल देगा। तो चलो यार इसको यहाँ पे डालते काम पे, और यहाँ पे अपना काम शुरू हो गया, फ्लोर बनने लगा। तो हम लोग को अब चाहिए एग और मिल्क, तो ये तो हम तुरंत अरेंज कर देंगे, बस वीडियो पे बने रहो। तो हमें चलना है सबसे पहले वो बायर के पास या फिर सेलर के पास, और यार उसके पास कोई रेयर पोकेमॉन भी आता है तो वो भी चल के आप लोग को दिखाते। तो ये रहा उसका गांव या फिर समझ लो विलेज। तो फटाफट चलते, यहाँ पे एक और बंदा रहता है जो कि पोकेमॉन सेल करता है, मुझे उसका एड्रेस मुझे लगता है गाइज ये रहा, एक बार चल के दिखाते। और देखा जाए तो ये शायद पोकेमॉन सेल करता है, तो हमें बाय करना है। और यहाँ पे देखो कोई रेयर पोकेमॉन तो यार नहीं है, सब यार वही पोकेमॉन है जो हमारे पास है। सेल करने के लिए हम लोग क्या सेल कर सकते है? तो यहाँ पे गाइज अपने पास एक सुअर है जो कि कोई काम का नहीं है, इसको सेल करते। तो इसका दाम हमें यार ठीक ठाक मिल रहा है तो इसको सेल कर देते। और कोई खराब पोकेमॉन है तो इसको भी हटा देते। बेकार यार भीड़ नहीं करना, ये पोकेमॉन भी मुझे आज तक समझ नहीं आया कि करता क्या है, तो इसको भी सेल करते। और कोई खराब पोकेमॉन अपना ये वाला पेंगुइन को सेल नहीं करना। बाकी देखा जाए तो ये वाला भी बेकार पोकेमॉन है, इसको भी सेल करते। तो चलो यार अच्छा खासा पैसा हो चुका है मेरे पास, और यार कोई अच्छा पोकेमॉन ला के रखो। बट एक सेकेंड, इसके पास एग है क्या? नहीं यार ये वाला पैलेस पेयर है। बाकी हमें चलना था मिल्क खरीदने के लिए, और मिल्क हमें कहाँ पे मिलेगा? नीचे देखो यार, कोई नीचे लगता माइनिंग है कोई, मुझे मैप पे देखना चाहिए। और यार नीचे कोई माइनिंग वाला जगह है, बाद में चलेंगे किसी और दिन, अभी चलते वो काम कंप्लीट करते। तो चलो यार यहाँ से मुझे मिल्क मिल जाएगा, और हो सकता है एग भी मिल जाए। तो चलो यहाँ पे अपना मिल्क भी हो चुका है, और यहाँ बाय करते। तो चलो यार हम लोगों ने खरीद लिया, और अपना बैग इतना वेट क्यों हो जाता है, मुझे कोई सामान को थ्रो करना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे हम नेल्स को ड्रॉप कर देते, बाद में आके हम ले जाएंगे। तो फटाफट चलते और चल के अपना केक बनाते, मुझे नहीं लगता और कुछ जरूरत है मुझे। तो ऑलराइट गाइस हम लोग आ चुके हैं, और चल के देखते हैं कि अब क्या लगने वाला है। अब बस गाइस हमें लगेगा फ्लोर, और लगेगा रेड बेरी। तो रेड बेरी तो यार अपने घर के बाहर ही मिल जाएगा, तो फटाफट चलते। यहाँ पे मेरे को आग लग चुका है, चलो कोई बात नहीं ये ठीक हो जाएगा। बाकी देखो घर के बाहर रेड बेरी मिल गया, और क्या चाहिए, यहाँ पे 2 हो चुका है, 3 और कहाँ चला गया, ये रहा अपना 4। मुझे लगता है गाइस काफी होगा, तो फटाफट चलते। और फ्लोर भी अपना बन चुका होगा, तो फटाफट केक बनवाएंगे, उसके बाद हम लोग करवाएंगे ब्रीड, और बताएंगे कौन कौन सा पोकेमॉन के साथ ब्रीड होने वाला है। तो वीडियो पे बने रहना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। बाकी यार चलो फटाफट चलते और केक को बनाते। तो ये रहा अपना केक, और इसको स्टार्ट करते। वैसे ये काम कर कौन रहा है, ये काम मुझे किसी और से करवाना है। और चलो यार वो पोकेमॉन को लाते, वो भी यार फायर टाइप पोकेमॉन है जो कि ये रहा। तो ये है कहाँ पे मुझे वो समझ नहीं आ रहा, वो रहा सामने खाना खा रहा है, ये यार करना क्या चाह रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। इसको वापस से बुलाते, यार मेरा पोकेमॉन एक से एक नमूना है सब, क्या करता है कुछ समझ नहीं आता। इसको यहाँ डालते, वापस से इसको यहाँ डालते। चलो ये आ गया, इसको उठाते, आ जा। चलो यार इसको उठा लिया मैंने, और ये काम बहुत जल्दी करता है तो अपना काम हो जाएगा। तो ऑलराइट गाइस अपना केक बनने को आया, और अब आखिरी कमेंट का ब्रीडिंग करते, जो कि आया अपना गाइस की अनुबिस और अपना वैन वॉम का। तो फटाफट करते, बाकी ये केक को हम लोग को पिक करना है। तो चलो यार केक हम लोगों ने रख लिया, तो चलो यार वो 2 पोकेमॉन को बेस पे डाल देते। और अनुबिस अपना कहाँ चला गया, ये रहा अपना अनुबिस, और दूसरा जो पोकेमॉन है ये है अपना। तो देखा जाए गाइस तो यहाँ पे देखो दोनों अपना मेल है, तो मुझे लगता है एक अपना फीमेल पकड़ के लाना पड़ेगा। तो चलो कोई बात नहीं, फटाफट चलते और एक फीमेल को पकड़ के लाते। यार क्या ही किस्मत अपना, यार अपना किस्मत ही खराब है, फीमेल पोकेमॉन क्यों नहीं रहता है। तो चलो वापस से चलते, मुझे लगता है ना कि गाइस ये वाला पोकेमॉन मैंने कहाँ ज्यादा देखा है, और आज ही देखा है यार, कहाँ पे देखा था, और यहाँ पे देखा था। तो चलो यहाँ पे स्पॉन करते, शायद हमें दिख जाए।
तो ऑल राइट गाइज, हम लोग आ चुके हैं और वो वाला पोकेमोन को हमें खोजना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आसपास ही हमें मिल सकता है, तो चलो यार फटाफट बुलाते हैं अपना पोकेमोन को और एक बार राउंड मार के आते हैं, देखते शायद हमें आसपास मिल जाए। मुझे यार फीमेल चाहिए। और यार हम लोग वो रहा ये भी अपना मेल है यार, कोई फीमेल दे दो यार, ये भी अपना मेल है, मुझे चाहिए था फीमेल। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा और ऊपर चलते शायद हमें फीमेल दिख जाए। चलो यार कोई बात नहीं, एक सेकेंड, यहाँ पे मिल गया गाइज, फाइनली मुझे मिला है एक कपल जो कि मेल और फीमेल दोनों है। तो फटाफट फाइट करवाते और यार इसको पकड़ के लेके जाना है, एक को मारना पड़ेगा हमें, उसके बाद हम लोग दूसरा को पकड़ के लेके जाएंगे। तो चलो यहाँ पे मैंने अटैक कर दिया और उसको मत मार, ये वाला पोकेमोन हमें जिंदा चाहिए, तो इसको तो लेके ही जाएंगे। मुझे लगता काफी होगा, कैप्चर हो जा। और यार इजिली कैप्चर हो जाएगा, देखा जाए तो हो जा। तो चलो गाइज हम लोगों ने फीमेल पकड़ लिया, अब यहाँ से निकलते हैं फटाफट। यार क्या ही किस्मत, फाइनली जाके हमें मिल चुका है पोकेमोन जो कि फीमेल है और अब ब्रीड हो सकता है। तो फटाफट चलते अपने बेस पे। तो चलो गाइज फाइनली हम लोग आ चुके हैं, अब यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे बेस पे और चल के हम लोग ब्रीड करवाएंगे। तो चलो यार आगे आ जा और इसी के साथ यहाँ पे उतर जाते हैं, फटाफट चलेंगे बेस पे, ज्यादा वीडियो को खींचना नहीं है और यहाँ से इंटर करते हैं। ये रहा गाइज वो फीमेल पोकेमोन, तो इसको बेस पे डाल देते और देखा जाए। तो चलो यार अब ब्रीड करवाते हैं, जल्दी से आ, कहाँ उड़ रहा भाई, जल्दी आ यार, मेरा टाइम बर्बाद कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, फटाफट चलते। पता नहीं गाइज वो अनुबीस क्या कर रहा है, मुझे लगता है कोई काम कर रहा होगा। तो ऑल राइट गाइज हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पे इसको डालते, ये अपना फीमेल है और यहाँ पे दो फीमेल क्या कर रहा है, पागल है क्या, वापस आ, इसको निकाल के फेंकना पड़ेगा। तो चलो यार इसको फेंक के आते हैं नीचे, वैसे भी यार इसका काम हो चुका है, तो इसको फटाफट हम नीचे लेके चलते हैं और यहाँ पे इसको बैठा देते। चल यहाँ बैठे रहे। तो ये रहा अपना अनुबीस जो कि यार अपने हाथ में आ नहीं रहा, आ ना भाई कहाँ जा रहा है यार, रुक जा यार, इसका स्पीड देख के मेरे को गुस्सा आ रहा है, रुक जाता तो यार मेरा काम हो जाता, पकड़ लेंगे, रुक। ओ भाई साहब ये दौड़ा रहा है, बस कितना ज्यादा स्पीड है, फंस गया। लेकिन नहीं यार ये निकल चुका है, चलो कोई बात नहीं, वहां तो रुकेगा। चलो यार जल्दी से इसको पकड़ते और यहाँ पे ये अनुबीस, इसको यहाँ से पिक करते। यार ये इतना ड्रामा कर रहा ना भाई साहब कि रुक नहीं रहा है, और रुकेगा नहीं तो कैसे हम ब्रीड करवाएंगे। वापस से चल गया वहाँ पे, यार इसको क्या करें हम, देखा जाए तो मुझे ब्रीड करवाना है। और चला तेरे को उठाई कैसे यार, ये उठेगा भी नहीं और अब शायद उठ सकता है। चलो तो चलो यार ये भी मुझे मिल गया और इसको खोजते यार रात हो चुका है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे ब्रीड पे डालते और देखा जाए तो नहीं गया क्या अंदर। यार इसका क्या ड्रामा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसको वापस से डालना पड़ेगा। और चलो यार इसका क्या सीन है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये मेल है ना अपना, मुझे तो लग रहा है ये फीमेल है, ऐसा तो नहीं हो सकता, एक बार चेक कर लेते हैं, ये तो मेल ही था अपने पास। तो जैसा कि गाइज इसको पकड़ना मेरे बस के बाहर है, और सच बोला जाए तो यार रात करवा दिया, बट यार ये जो पोकेमोन है ना गाइज ये हाथ में नहीं आ रहा है, और हमने ट्राई किया 2-3 बार बट हो नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, कल की वीडियो पे ट्राई करेंगे, और आज यार एक ही हम लोगों ने कमेंट पिक किया। चलो कोई बात नहीं, कल की वीडियो पे इसको स्टार्ट करेंगे और चेक करेंगे क्या ये पॉसिबल है या फिर नहीं। मुझे नहीं लगता गाइस कि ये पॉसिबल है। तो ऑल राइट गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो पे। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना।